ओके सो अस्सलाम वालेकुम. वेल टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वाइट मैटर ऑफ सेरेब्रम. हमने बेसल गैंगले देखे विच वर द ग्रे मैटर ऑफ सेरेब्रम. देन वी टॉक अबाउट द सेरेब्रल सल्काई एंड द गायराई विच वर द फोल्ड्स एंड द डिप्रेशंस विद इन द सब्सटेंस ऑफ द सेरेब्रम. नाउ वी टॉक अबाउट द वाइट मैटर, क्योंकि इनसाइड द ग्रे मैटर वी विल ऑलवेज हैव सम वाइट मैटर जो कि बना होता है विद द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या ट्रैक्ट से. अब सेरेब्रम में कौन कौन से फाइबर्स हैं, किस किस टाइप के फाइबर्स हैं, उनके कुछ नाम भी हैं. तो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि सेरेब्रम में तीन तरह के फाइबर्स हमें नजर आएंगे. नंबर वन इज एसोसिएशन फाइबर्स. एसोसिएशन फाइबर्स का काम ये होगा कि वो एक ही सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डिफरेंट पार्ट्स को ऑपरेट, जैसे ये नजर आ रहे हैं या यहाँ पे होंगे, लेकिन वो एक ही साइड पे रहेंगे कन्फाइंड. सेकंड इज अ कमिजरल फाइबर जो कि कनेक्ट करेंगे दो साइड के सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को डिफरेंट लेवल्स, लाइक जो ये वाले फाइबर्स हैं, दीज आर द कमिजरल फाइबर्स जो कि दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करें. द थर्ड क्लास इज द प्रोजेक्शन फाइबर्स जो बेसिकली ब्रेन स्टेम के लेवल से प्रोजेक्ट करेंगे टुवर्ड्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और कुछ यू कैन से इफरेंट फाइबर्स भी वहाँ से लेकर जा रहे होंगे. सो दीज काइंड ऑफ फाइबर्स जो कि बेसिकली आउटसाइड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इमर्ज कर रहे हैं और टुवर्ड्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स मूव कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्रोजेक्शन फाइबर्स. दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम है कमिजरल फाइबर्स का, और एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम है एसोसिएशन फाइबर्स का. ये भी हो गया. अच्छा, ये एक और इमेज है. यू कैन सी के दीज आर द कमिशनल फाइबर्स, दीज आर द प्रोजेक्शन फाइबर्स एंड दीज आर द एसोसिएशन फाइबर्स. अब जो कमिशनल फाइबर्स हमने बात की जो कि बेसिकली दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे थे, उसमें भी फर्दर पांच क्लासेस हैं. ये बेसिकली एक क्लास मिसिंग है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको. नंबर वन इज कॉर्पस कैलोजम जो कि हम सबसे बड़ा एक बल्कि सा यू कैन से कनेक्शन नजर आता है जब हम मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन को देखें. नेक्स्ट इज एंटीरियर कमिशन जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट है. पोस्टीरियर कमिशन पोस्टीरियर एस्पेक्ट में नजर आएगा एंड हैबिनल कमिशन भी नियर द पोस्टीरियर कमिशन ही प्रेजेंट होता है. और एक और कमिशन होता है दैट इज अ फॉर्निक्स. फॉर्निक्स इज जस्ट लाइंग इनफीरियर टू द कॉर्पस कैलोसम. यहाँ पर आई थिंक ये हमें फॉर्निक्स नजर आ रहा है. तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कमिशनल फाइबर जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड के न्यूक्लियर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज द कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम ये एक वाइट मैटर का बैंड है जो कि दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है एंड इट इज लाइंग द मिड लाइन. और इसका ओरिएंटेशन देखी जाए तो जस्ट इन्फीरियर टू द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल क्या था वो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर, उसके नीचे से हमें नजर आता था फॉक्स सेरेब्रा. तो फॉक्स सेरेब्रा के नीचे जो एक वाइट मैटर का बैंड प्रेजेंट था तो वो यही था, दिस वॉज कॉर्पस कैलोसम. इसके भी फर्दर चार कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर वन इज द रोस्टम जो कि इसका एंट्रो इन्फीरियर कंपोनेंट जो थोड़ा सा यू कैन से पोस्टीरियरली बैंड हुआ है. सो दिस विल ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट विद द लीनिया टर्मिनालिस. ओके, दिस इज द लीनिया टर्मिनालिस जो कि बेसिकली एक थिन सी शीट होती है ग्रे मैटर जो सेपरेट करी होती है ऑप्टिक क्यास्मा को फ्रॉम द रोस्टम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम हेयर. ओके, सो दिस इज इन कॉन्टैक्ट विद द लैमिना टर्मिनालिस. कूल. नेक्स्ट इज द पार्ट इज द जेनो. जेनो इज द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोसम एंड इट विल ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द सेप्टम पैलिसेटम. नाउ यू विल बी वंडरिंग कि सेप्टम पैलिसेटम क्या है. सो अगर हमने ये बात की कि ये कॉर्पस कैलोसम है और अगर इस लेवल पर कहीं फॉर्निक्स प्रेजेंट है, तो फॉर्निक्स और कॉर्पस कैलोसम के दरमियान में एक थिन सी शीट होती है वाइट और ग्रे मैटर की, उसे हम बोलते हैं सेप्टम पैलिसेटम. तो जेनो विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द सेप्टम पैलिसेटम. नेक्स्ट इज द बॉडी. बॉडी इज द मेन यू कैन से द पोर्शन ऑफ द कॉर्पस कैलोसम जो एंटीरियर लाइक आ रही है या सुपीरियर लाइक आ रही है. एंड देन देयर इज इसमस नहीं होता इतना इंपॉर्टेंट, बट द पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन इज कॉल्ड एज द स्प्लेनियम जो कि यहाँ यू कैन सी सेरेबेलम तक एक्सटेंड कर रहे हैं. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कॉर्पस कैलोसम. नेक्स्ट वी सॉ कि जो कॉर्पस कैलोसम होता है इन द मिड लाइन, इट गिव्स सर्टेन एंटीरियर फाइबर्स एंड सम पोस्टीरियर फाइबर्स. नाउ द एंटीरियर फाइबर्स आर गोइंग टू गो इनटू द फ्रंटल लोब एंड दीज आर कॉल्ड एज द फोर्सेप्स माइनर. और जो हमारे पोस्टीरियर फाइबर्स दे विल बी गोइंग इन टुवर्ड्स द ऑसिपिटल लोब एंड दीज आर रिगार्डेड एज द यू कैन से द फोर्सेप्स मेजर, राइट? Forceps minor anteriorly and forceps major posteriorly. Then there are some lateral projections as well from the corpus callosum, as you can see here. This projection or radiation is called as the radiation of the corpus callosum. और ये basically intersect हुई होती है या इनको transverse कर रहे होते हैं different association fibers और different projection fibers ऐसे ऐसे ऐसे. So जिन corpus radiation corpus callosum की radiation को fibers ट्रांसवर्स कर रहे हैं उसे तो हम बोल देते हैं रेडिएशन ऑफ कॉर्पस कैलोसम. लेकिन कुछ कॉर्पस कैलोसम के फाइबर्स ऐसे भी होते हैं जिसको कोई एसोसिएशन फाइबर्स कोई प्रोजेक्शन फाइबर्स ट्रांसवर्स नहीं कर रहे होते, और उस एक बंडल जो बन जाता है कॉर्पस कैलोसम के लेटरल फाइबर्स उसे हम बोलते हैं टेप्टम. कूल, उसे हम टेप्टम का नाम देते हैं. बस एक पार्ट है कॉर्पस कैलोसम का लेटरल फाइबर्स में से. देन वी सी कि एंटीरियर कमिशन की लोकेशन यहाँ होती है समवेयर. यहाँ पर हमने बेसिकली इफ यू कैन रिकॉल पीछे हमने लेमिनर टर्मिनालिस पढ़ा था जो कि सेपरेट करता है ऑपरे क्यास्मा को फ्रॉम द रोस्टम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम. तो इसी लेमिनर टर्मिनालिस के अंदर ये बैंड प्रेजेंट होता है एंटीरियर कमिशन का जो कि अगेन लेफ्ट एंड राइट साइड के सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को अपना कनेक्ट कर रहा होता है. और इसके फाइबर्स कुछ ऐसे ही मर्ज कर रहे होते हैं कि उसके कुछ फाइबर्स एंटीरियरली मूव कर रहे होते हैं नियर द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट एंड द एंटीरियर परफोरेटरी सब्सटेंस, और उसके कुछ फाइबर्स पोस्टीरियरली मूव कर रहे होते हैं लाइंग बिलो द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस एंड इन टू द हॉस्पिटल लोब हेयर. तो हॉस्पिटल लोब में जा रहे होते हैं, कुछ टेम्पोरल लोब में जा रहे होते हैं. तो कुछ इसके फाइबर्स एंटीरियर कमिश्नर के आगे जा रहे होते हैं, कुछ पीछे भी जा रहे होते हैं. तो ये उसका ना यू कैन से
एक उसकी इमर्जेंस ऑफ फाइबर्स दिखाई हुई कि ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और एंटीरियर ऑल्फैक्टरी सब्सटेंस में भी जाते हैं और टेम्पोरल लोब की तरफ जाते हैं बाय लाइंग इंटीरियर टू द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. देन वी हैव आवर थर्ड कमिशियल फाइबर दैट इज द पोस्टीरियर कमिशियल. पोस्टीरियर कमिशियल हमें यहाँ पोस्टीरियर लेवल पर नजर आता है बेसिकली जहाँ पर सेरेब्रल एक्विडक्ट कनेक्ट होती है विद द यू कैन से दिस थर्ड वेंट्रिकल. एट दिस लेवल एक पीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है, हमें यहाँ नजर आ रही है ये पीनियल बॉडी है. ठीक है, ये भी ग्लैंड है जो कि कुछ हॉर्मोन्स सीक्रेट करता है. इस पीनियल बॉडी के आगे यू कैन सी एट दिस लेवल वी विल हैव द प्रेजेंस ऑफ पोस्टीरियर कमिशियल. सो इफ यू समवन आस्क यू कि लोकेशन क्या होता है, यू कैन टेल दैम कि नियर द स्टॉक ऑफ द पीनियल ग्लैंड नियर द वी कैन सी जंक्शन ऑफ द सेरेब्रल एक्विडक्ट विद द थर्ड वेंट्रिकल हेयर. इसकी प्रेजेंस होती है किसकी, पोस्टीरियर कमिशियल की. ओके, देन द फोर्थ कमिशियल इज गोइंग टू बी द फोर्निक्स. फोर्थ है या फिफ्थ है पता नहीं. खैर, तो फोर्निक्स का काम बेसिकली ये होता है कि ये पोस्टीरियर जो पड़ा हुआ है हिपोकैम्पस, इसको कनेक्ट कर रहा था विद द मेमोरी बॉडी ऑफ द हाइपोथैलेमस. यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस पड़ा होता है, आई थिंक दिस इज द हाइपोथैलेमस. ठीक है, इसी की मेमोरी बॉडी को पोस्टीरियर टू द हाइपोथैलेमस वी हैव इन द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी बॉडी. तो इस मेमोरी बॉडी को हिपोकैम्पस से कनेक्ट होने का काम होता है फोर्निक्स का, यू कैन सी हियर राइट. एंड दिस इज यू कैन सी द सेप्टम पैलिसेटम जो कनेक्ट कर रहा था कॉर्पस कॉलोसम को विद द फोर्निक्स, हमें वो भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे राइट. सो यू कैन सी फाइबर्स एसेंटियली मूव कर रहे हैं फ्रॉम द हिपोकैम्पस बिहाइंड टुवर्ड्स द मेमोरी बॉडी ऑफ द हाइपोथैलेमस इन फ्रंट. और जिसके इनिशियल फाइबर्स होते हैं बेसिकली इमर्ज करते हैं फ्रॉम द हिपोकैम्पस, उनका बोलते हैं एलवीएस. जिसके सेकंड फाइबर्स होते हैं जो कि बेसिकली मूव करते हैं टुवर्ड्स द मेन बॉडी ऑफ फोर्निक्स, दिस आर कॉल्ड एज द फिम्ब्रिया या फिम्ब्रा जो मुझे बोल दो. एंड देन फर्दर फाइबर्स आर कॉल्ड एज द पोस्टीरियर कमिशियल फाइबर्स ऑफ द फोर्निक्स. एंड देन दो साइड के पोस्टीरियर कमिशियल फाइबर्स आपस में यूनाइट कर बना देते हैं मेन बॉडी ऑफ द फोर्निक्स जो कि टर्मिनेट कर जाती है विद इन द मेमोरी बॉडीज ऑफ द हाइपोथैलेमस. नाउ वी से कि हिपोकैम्पाई हमारी बॉडी में दो होते हैं, एक हिपोकैम्पस नहीं होता. तो दोनों साइड के हिपोकैम्पाई से फाइबर्स अराइज करेंगे एज एलवीएस, फिम्ब्रिया, पोस्टीरियर कमिशियल बॉडी सॉरी पोस्टीरियर कमिशियल फाइबर्स, जो कि आपस में यूनाइट करेंगे दोनों साइड के और बना देंगे एक ही टाइप एक ही फाइबर की बैंड से हम बोल देंगे बॉडी ऑफ फोर्निक्स, जो कि फिर टर्मिनेट कर जाएगा विद इन द मेमोरी बॉडी ऑफ द हाइपोथैलेमस. तो ये था यू कैन से कोर्स ऑफ फोर्निक्स. Then we talk about fourth fifth commissure was a Habenular commissure. Now what is Habenular commissure? Habenular commissure basically connect कर रहा था तो Habenular nuclei को जो lie कर रहे होते हैं at this level. अच्छे से level पर if you can recall हमने यहाँ पे posterior commissure भी पढ़ा था, तो इसी level पे ना somewhere here we also have in the presence of the Habenular commissure. Habenular commissure क्या होता है, ये दो side की Habenular nuclei को आपस में connect कर रहा होता है. Habenular nuclei क्या होते हैं, they are basically receiving the afferent fibers by the way of stria medullaris thalami from the amygdaloid and the hippocampus. क्योंकि इस region में हमें यहाँ कहीं hippocampus नजर आएगा, amygdala भी नजर आएगा. ठीक है, तो उन दोनों से fibers ले रहा होता है हमारे Habenular nuclei. ठीक है, amygdaloid nucleus से और hippocampus से, और इन दोनों साइडों के यू कैन से Habenular nuclei को आपस में कनेक्ट करने का काम होता है Habenular commissure का, जो कि हमें यहाँ समवेयर हेयर मतलब नज़र तो नहीं आ रहा, क्रॉस स्कोर सेक्शन है तो यहाँ कहीं नज़र आता है. ओके, तो ये एक हमारा फिफ्थ commissure कंप्लीट हो गया. अब हम बात करेंगे अबाउट दी एसोसिएशन फाइबर्स, जो कि बेसिकली एक ही साइड के सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे थे. उसकी क्लासिफिकेशन होती है इनटू शॉर्ट फाइबर्स एज वेल एज लॉन्ग फाइबर्स. शॉर्ट फाइबर्स बेसिकली एडजेसेंट गायराए को होते हैं, ये देखो ये है शॉर्ट फाइबर्स जो कि छोटी छोटी चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, और एक होते हैं लॉन्ग फाइबर्स जो कि बेसिकली लोब्स को आपस में कनेक्ट कर होते हैं, मतलब डिफरेंट लोब्स को, जिसे कॉल इज लॉन्ग फाइबर्स. और जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनके स्पेसिफिक नाम भी होते हैं और यू कैन से बंडल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हुए होते हैं. सो द फर्स्ट बंडल इज गोइंग टू बी द अनसिनेट फेसिकुलस, इट इज वन ऑफ द लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स. एंड अनसिनेट फेसिकुलस बेसिकली कनेक्ट कर रहा होता है मोटर कॉर्टेक मोटर स्पीच एरिया जो हम ब्रोकस एरिया कहते हैं उसको, और इनफीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब को विद द टेम्पोरल लोब. ठीक है, ये इन्फीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब है, इसके साथ इन्फीरियर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब को और ब्रोका एरिया को कनेक्ट करने का काम किसका होता है, अनसिनेट फेसिकुलस का. नेक्स्ट वाज द सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, जो हमें ये नजर आ रहा है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस बेसिकली कनेक्ट कर रहा होता है फ्रंटल लोब को विद द यहाँ पर ऑस्पिटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब. तो बेसिकली सारे लोब्स को आपसे कनेक्ट करने का काम होता है हमारे सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस का, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बल्की एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन फाइबर. नेक्स्ट वी आर ऑल्सो हैविंग द इनफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, जो कि यू कैन सी कनेक्ट कर रहे हैं ऑस्पिटल लोब को और ये एसेंटियरली मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द टेम्पोरल लोब. तो इन दोनों कनेक्ट करने का काम किसका हो गया लॉन्गिट्यूडिनल इनफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस का. देन वी हैव अनदर फेसिकुलस कॉल्ड सिंगुलम. सिंगुलम बेसिकली लाया करता है विद इन द सिंगुलेट गायरस. ठीक है, सिंगुलेट गायरस था हमें यहाँ पर नजर आता है बिटवीन द कॉर्पस कॉलोसम एंड द यू कैन से द उसके ऊपर जो वो सिंगुलेट सर्कस था उसके दरमियान में एक गायरस था जिसको हमने नाम दिया था सिंगुलेट गायरस का, उसके सब्सटेंस के अंदर मूव कर रहा था सिंगुलम. नाउ द सिंगुलम इज बेसिकली कनेक्टिंग कैन सी फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब एंड द हॉस्पिटल एंड टेम्पोरल लोब को आपस में. देखो कितने प्यारी सी लग रही है ना सिंगुलम. खैर, इन एडिशन टू दिस ओके बस ये थे मेरे इंपॉर्टेंट जो बड़े फाइबर्स थे इन एडिशन टू द शॉर्ट फाइबर्स विच यू सॉ हियर. देन हम बात करते हैं अबाउट द प्रोजेक्शन फाइबर्स, जो कि बेसिकली हमने कहा कि ब्रेन स्टेम के लेवल से थैलेमस के लेवल से
से डिफरेंट लेवल से कनेक्शन दे रहे होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स को. जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्शन फाइबर है दैट इज़ द इंटरनल कैप्सूल, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है. दिस इज द इंटरनल कैप्सूल और बेसिकली यू कैन सी ब्रेन स्टेम लेवल से राइज हो रहा है और टुवर्ड्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं. नाउ इट इज लाइंग लैटरल टू द थैलेमस, यू कैन सी हियर, एंड इट इज लाइंग मीडियल टू द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. तो ये इसकी लोकेशन होती है लैटरल टू द थैलेमस, मीडियल टू द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. एंड यू कैन ऑल्सो सेइंग कि जो डिफरेंट कमिशियल फाइबर्स हैं इसको ट्रांसवर्सली कट कर रहे होते हैं, लेकिन जो एसोसिएशन फाइबर है वो बेसिकली इसके लेटरली लाए कर रहे होते हैं. ठीक है, वो सिंपली इसको कट के बगैर गुजर रहे होते हैं. जो कमिशियल फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली इसको कट कर रहे होते हैं. एंड हमने बात की जो हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है, एज यू कैन सी कि बिल्कुल ही ना वो वेज शेप्ड है. तो ये वेज शेप्ड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को डिवाइड कर देता है हमारे इंटरनल कैप्सूल को इनटू एन एंटीरियर हॉर्न एंड अ पोस्टीरियर हॉर्न, जो कि जीनों के लेवल पे आपस में कनेक्टेड होते हैं. एंड एक बार लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस गुजर जाए सो ये इंटरनल कैप्सूल बेसिकली प्रोजेक्ट कर जाते हैं टू वेरियस, यू कैन से इस प्रोजेक्शन फॉर्म एक्सपेंड कर जाते हैं. इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं क्रोना रेडिएटा. सो क्रोना रेडिएटा इज द वी कैन से एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनल कैप्सूल अबव या सुपीरियर टू द लेवल ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. सो बस ये बात है. तो हमारे तीनों फाइबर्स हो गए, प्रोजेक्शन फाइबर्स हमने देख लिए जो कि हैं द फॉर्म ऑफ इंटरनल कैप्सूल, हमने डिफरेंट कमिशियल फाइबर्स देख लिए, एंड वी ऑल्सो सॉ द एसोसिएशन फाइबर्स जो कि बंडल के फॉर्म में भी अरेंज थे और शॉर्ट फाइबर्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट थे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वाइट मैटर ऑफ द सेरेब्रम. हाँ, एक और चीज़ भी होती है, ये कोई फाइबर्स तो नहीं बट ये सेंस हमारे सेरेब्रम में प्रेजेंट होता है. तो आई थॉट कि मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूँ. हमने बात की थी फोर्निक्स के ऊपर पड़ा होता है कॉर्पस कलोसम, दोनों को आपस में यूनाइट कर होता है सेप्टम पेलुसेटम, जो कि बेसिकली एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है. उसमें ग्रे मैटर भी है, वाइट मैटर भी है, और इट इज जस्ट फॉर्मिंग द यू कैन सी एंटीरियर डिवीजन बिटवीन द. अच्छा, यहाँ पे ना ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉर्पस कलोसम हमें लेटरल वेंट्रिकल की कैविटी नजर आती है. तो बेसिकली लेटरल वेंट्रिकल के हॉर्न्स हमें पीछे देखे, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न. तो जिसको एंटीरियर हॉर्न्स को आपस में सेपरेट करने का काम होता है वो सेप्टम पेलुसेटम का होता है. ठीक है, देन से एक एक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कॉल्ड एज टीला क्रोइडिया. अब टीला क्रोइडिया क्या है? अच्छा, अगर हम इस ओरिएंटेशन में देखें ना इसको, तो ये है थैलेमस. हमने कहा जो दो थैलेमस होते हैं ना उनके दरमियान में स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल. तो दिस इज थर्ड वेंट्रिकल. सो ऑन द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल एंड अबव द टू थैलेमस वी आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ दिस फोल्ड ऑफ डबल मेम्ब्रेनस फोल्ड ऑफ पायामेटा, जिसके अंदर डिफरेंट ब्लड वेसल्स भी हैं. इसे हम बोलते हैं टीला क्रोइडिया. ठीक है, डबल मेम्ब्रेन फोल्ड पायामेटर अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स विल बी कॉल्ड एज टीला क्रोइडिया. ओके, और लेटरली ये टीला क्रोइडिया जो ऊपर है ना कैविटी, ये लेटरल वेंट्रिकल की, ये थर्ड वेंट्रिकल की, वो लेटरल वेंट्रिकल की. तो लेटरली ये लेटरल वेंट्रिकल की ना बाउंड्री वो कैविटी में एक्सटेंड कर रहा होता है टीला क्रोइडिया. ठीक है, और पोस्टेरियरली ये पोस्टेरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल में एक्सटेंड कर रहा होता है. अब होता ये है ना कि जब ये टीला क्रोइडिया एसोसिएट हो जाता है विद द एपेंडाइमल सेल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स, क्योंकि जितने वेंट्रिकल्स हैं ना उनको लाइन किया होता है एपेंडाइमल सेल्स ने. तो जब ये टीला क्रोइडिया एसोसिएट हो जाता है विद द एपेंडाइमल सेल्स ऑफ द ट्रिगल्स यहाँ पर या यहाँ पर, तब स्ट्रक्चर हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस. दिस इज इंपॉर्टेंट. टीला क्रोइडिया प्लस द एपिडर्मल सेल्स ऑफ वेंट्रिकल्स विल बी कलेक्टिवली कॉल्ड एज कोरोइड प्लेक्सस, जो बाद में सीएसएफ प्रोड्यूस करेगा. अब बात रहती है कि इसके ब्लड्स पे कहाँ से आते हैं टीला क्रोइडिया, बिकॉज वी सॉ के इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है. तो वैसे जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है, जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है वही इसकी भी सप्लाई, जो कि मेनली आते हैं फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड बेसिलर आर्टरी. बेसिलर आर्टरी वर्टिब्रल आर्टरी से आई थी. ठीक है, और इसकी जो वेनस ड्रेन होती है वो ड्रेन करती है मोस्टली इंटरनल सेरेब्रल वेन, जो कि यूनाइट होकर बनाती है ग्रेट सेरेब्रल वेन, जो कि यूनाइट होकर बनाती है इन्फीरियर सेजिटल वेन, जो कि फिर बनाएगी आगे जाकर स्ट्रेट साइनस, जो कि ड्रेन करेगा इनटू द सुपीरियर सेजिटल साइनस. तो ये थोड़ी सी ब्लड्स पे हमें यहाँ पे भी देखते हैं, हम मेन ब्लड्स पे करेंगे, हम उसमें भी इसको रिवाइज कर लेंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेरेब्रम. हमारा सेरेब्रम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.